हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम कांगी को साफ करने का एकदम नया तरीका बताएंगे। यह तरीका आपको कोई नहीं बताया होगा। आप यह देख करके चौंक जाएंगे कि इतना अच्छा कमाल हो सकता है। आप देखने के बाद तुरंत दौड़ेंगे कांगी को साफ करने। तो चलिए हम देखते हैं कि कांगी की क्लीनिंग कैसे की जाती है। इस तरीके के काम को लेकर के कंघी हम डेली करते हैं, तो बालों से थोड़ी बहुत गंदगी जो कि ये कंघी में फंस जाती है, जिसे रोज रोज साफ करना पॉसिबल नहीं होता है। हमेशा गर्म पानी करके साफ करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। हमेशा टाइम नहीं रहता है कि इसे हम बराबर साफ करते रहें, तो बीच बीच में हफ्तों में साफ करना चाहिए। आज हम आपको बिना पानी के इस कंघी को साफ करके आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे कंघी को साफ करना चाहिए। दोस्तों, कंघी में हम डालेंगे टेलकम पाउडर। आपके पास जो भी टेलकम पाउडर हो उसे इस तरीके से कंघी पर डाल दीजिए, और एक तरफ सबसे पहले इसे साफ कर लेना है, फिर दूसरी तरफ साफ करेंगे। उसके बाद आपको लेना है एक पुराना ब्रश और कुछ इस तरीके से इसे साफ कर लेना है। इस तरीके से जब साफ करेंगे आप ना, तो बहुत ही जल्दी आपकी कंघी क्लीन हो जाएगी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा गंदा इसमें से निकल रहा है। जो भी गंदगी है वो बहुत ही आसानी से क्लीन हो पाएगी। ये देखिए दोस्तों, काफी सारा गंदगी इसमें से निकल रहा है। इससे क्या होता है, जो तेल का चिपचिपापन होता है वो भी इसी के साथ साथ निकल जाता है। पाउडर जो होता है वो चिपचिपेपन को, यानी कि तेल के जो आयलीपन होता है उसे अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि उसे सोख लेता है, तो ये बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाता है। इसी तरीके से आप पाउडर को दूसरी तरफ भी कंघी में डाल दीजिए और अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। आपको अपना पानी उबालना है और ना कंघी को घंटों तक रगड़ना है। इस ट्रिक द्वारा आप बहुत ही जल्द कंघी को साफ कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी कंघी काफी हद तक साफ हो गई है। इस तरीके से आप कंघी को बहुत ही जल्द क्लीन कर पाएंगे। अब उसके बाद हमें इसे धुल लेना है, तो अभी हम आपको धुल करके दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी कंघी एकदम नए जैसे चमकने लगी। क्या कभी आपने भी कंघी पर इस तरीके का टेलकम पाउडर डाल करके यूज किया है? नहीं किया है तो तुरंत दौड़ कर जाइए और तुरंत यूज कीजिए। आपकी कंघी बहुत ही जल्द एकदम क्लीन हो जाएगी, एकदम नए जैसे बन जाएगी। कंघी को बराबर क्लीनिंग करना चाहिए, नहीं तो इससे जो वायरस होते हैं जो कि हमारे बालों में आ जाते हैं, जिससे बहुत ही दिक्कत होती, खुजली होती है। तो कंघी को बराबर इस तरीके से साफ करना चाहिए। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।